करनाल में प्रदेश स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, कार्यक्रम देखी लाइव तस्वीर। ये कर्ण की भूमि, जिस भूमि के ऊपर 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऑक्सी वन के इसका शिलान्यास किया था और आज मुझे इस ऑक्सी वन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि आज पहली बार हमारे 20,000 साथियों ने आज एक एक पौधा भी एक समय के अंदर लगाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सावन के इस पावन मास का आगाज हो रहा है, हर तरफ प्रकृति की अनूठी छटा है। मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे भी झूमकर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। बरसात का मौसम ये पौधारोपण का सबसे अच्छा समय है और मैं कहना चाहूंगा सेलिब्रेट नेचर, सेलिब्रेट लाइफ। ये वन महोत्सव का हमारा आज का ये एक स्लोगन है। भाइयों, प्रकृति भारतीय संस्कृति में वृक्षों का बड़ा महत्व है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी वृक्षों का काफी गुणगान किया गया है। पेड़ पौधे इस धरा के सजग प्रहरी हैं। वृक्षों की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरण को शुद्ध करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक संस्कृति में पौधारोपण एवं संरक्षण की सुदीर्घ परंपरा रही है। वृक्ष काटने की हानि का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी किया गया है। मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि तापमान किस गति से बढ़ रहा है और इसका परिणाम है कि हम ज्यादा संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं। जिस संख्या में पेड़ों का कटाव हो रहा है उस संख्या में, उस अनुपात में हम वृक्षों को पौधारोपण नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा, पीपल की पूजा तो सर्वविदित है और भगवान बुद्ध ने गया में एक वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। यह हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का आधार है। जैसे हम पवित्र भूमि के ऊपर हैं, हरियाणा की वो पवित्र भूमि जहां स्वयं कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वट के वृक्ष के नीचे गीता का संदेश दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया, वृक्षों के प्रति ये हमारी निष्ठा का प्रतीक है। शास्त्रों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, भूमि एवं पहाड़ तक पूजनीय माने गए हैं। हमारे पूर्वजों में
इस चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की भावना निहित थी। हम देखते हैं पर्यावरण, ये प्रदूषण आज एक बड़ा हम सबके सामने चिंता का विषय है। जल थल और आसमान पर प्रदूषण का शिकंजा कसता जा रहा है। धरती पर तापमान निरंतर बढ़ रहा है। आज जब हम देखते हैं, ये पहली बार है कि 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हमारे हरियाणा के कई जिलों के अंदर वो हुआ है, और लगातार इस निरंतर तापमान बढ़ने के कारण पर्वतों पर बर्फ और ग्लेशियर भी आज पिघल रहे हैं। वनों की कमी से अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। वनों का पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने में हमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मनुष्य के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए